अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बीएड की ऑनलाइन वर्कशॉप फ्रॉम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की कोर्स कोड 8610 के यूनिट 4 सोशल डेवलपमेंट के पार्ट 2 के साथ आपके सामने हूँ। इससे पहले जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा वो इसके ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से मैंने यहाँ डिम किए हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ कि एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन सोशल डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन वेरियस सोशल डेवलपमेंटल थ्योरीज। और ये चीज़ आप पार्ट 1 में यूनिट 4 के वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में आज का जो टॉपिक है उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स एट प्री स्कूल, किंडरगार्टन एंड एलिमेंट्री लेवल। एंड द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज विच कैन बी प्रोवाइडेड एट प्री स्कूल, किंडरगार्टन एंड एलिमेंट्री लेवल। लेट्स मूव टू द टॉपिक। यू आर वॉचिंग एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट चैनल। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दैट चैनल, please subscribe it and like share its videos. Thank you. Now we are going towards our topic about characteristics of learners and classroom activities to promote social skills. Social skills are ways of dealing with others that create healthy and positive interactions. चिल्ड्रन हु हैव सोशल स्किल्स कैन, जिन बच्चों की सोशल स्किल्स डिवेलप हुई हुई हैं वो क्या क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट क्लियरली, कामली एंड रिस्पेक्टफुली। वो बात कर सकते हैं लोगों के साथ अच्छे अल्फाज में और अपने मफहूम को सही बयान कर सकते हैं। शो कंसिडरेशन फॉर द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ देयर पीयर्स, अपने साथियों की फीलिंग्स और दिलचस्पियों के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस, अपने किए हुए कामों की, अपने किए हुए एक्शंस को की जिम्मेदारी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा था कि किसी लास्ट चैप्टर में कि जब आप कोई भी काम, बच्चे से पूछते हैं आपने ये दरवाज़ा बंद क्यों किया, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हाँ जी हमने इसलिए बंद किया था कि यहाँ से मिट्टी आ रही थी या यहाँ से गर्म हवा आ रही थी या ठंडी हवा आ रही थी। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल जो एक्शन है सोशल डेवलपमेंट के हवाले से। दे आर एबल टू कंट्रोल देमसेल्व्स, वो खुद को अपने सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करना सीख चुके होते हैं। दे एबल टू असर्ट देमसेल्व्स व्हेन नीडेड, जब किसी को ज़रूरत हो तो वो सोशली मतलब मामलात में खुद को उन बातचीत में उन मामलात में जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोलें, ये नहीं कि वो बिला ज़रूरत बोलते रहें। बच्चों की जो एज है वो इस तरह की है कि जहाँ उनकी सोशल स्किल्स प्रमोट करने के लिए उनको ये सिखाना ज़रूरी है कि कहाँ आपने बोलना है और कहाँ आपने खामोश रहना है या कहाँ किन मामलात में आप इंटरफेयर कर सकते हैं। चिल्ड्रन लर्न सोशल स्किल्स थ्रू एक्सपीरियंस विद पीयर्स, कहाँ कहाँ से बच्चे सीखते हैं सोशल स्किल्स को? अपने साथियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने वालदैन से मिलने वाली हिदायत के तहत, और टाइम विद अडल्ट्स। तीसरा ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, लेकिन बच्चे जो टाइम स्पेंड करते हैं बड़ों के साथ, फैमिली के या वैसे भी जो भी आपके सोशल एनवायरनमेंट में हैं, उनसे वो सोशल स्किल्स सीखते हैं। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मुख्तलिफ जो उनकी एज स्पैन है वहाँ पर किस तरह से बच्चे सोशल स्किल्स सीखते हैं। A young child's social life evolves in relatively predictable ways. एक छोटे बच्चे की जो social life है उसको हम
प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो यहाँ यहाँ तक उसकी लिमिटेशन है, वो या तो घर पर रहता है, या वो हमसायों के घर तक जाता है, या फिर वो स्कूल तक जाता है, या फिर वो अपने फलां फलां फ्रेंड्स के तक महदूद रहता है। द सोशल नेटवर्क ग्रोज फ्रॉम एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद पेरेंट्स और अदर गार्डियंस टू इंक्लूड अदर फैमिली मेम्बर्स। बच्चों का जो सोशल नेटवर्क है, मैंने अब पहले ही एग्जांपल दे दी ये सारी डिटेल दो अब ऊपर की लाइनों के साथ। नॉन रिलेटेड एडल्ट्स एंड पेयर्स सोशल इंटरेक्शन एक्सटेंडेड फ्रॉम होम टू नेबरहुड, फ्रॉम नर्सरी स्कूल टू फॉर्मल स्कूल। तो किंडरगार्टन एरिया ऑफ स्टडी से लेकर बच्चे एक फॉर्मल स्कूल तक दाखिल होते होते वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो सोशल स्किल सीख रहे हैं उनकी ये स्टेजेस हैं। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एज परमिट अ टीचर टू बेटर अंडरस्टैंड एंड प्लान फॉर देयर ग्रोथ। बहुत सारी जो बुनियादी खसूसियात हैं बच्चों की, सोशल स्किल्स की, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो हेल्प करती हैं टीचर को, वो हेल्प करती हैं और इजाज़त देती हैं टीचर को कि वो बच्चे को बेहतर समझते हुए उसकी सोशल ग्रोथ के हवाले से बेहतर प्लानिंग कर सके। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन, जब बच्चे स्कूल जाने से पहले की एज पे होते हैं या किंडरगार्टन उनकी जो एज है, उस वक्त कौन कौन सी सोशल स्किल्स हैं जो वो सीख रहे होते हैं। एट दिस स्टेज किड्स डू नॉट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स इमोशंस और परसेप्शंस। यहाँ पर जब अभी वो 4 साल के हैं या इससे पहले छोटी एज में हैं, यानी पैदाइश से लेकर 4 साल तक का जो उम्र का दौर है, उसमें बच्चों के अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि वो दूसरे लोगों के इमोशंस को समझ सकें। आप अपने इर्द गिर्द छोटे इन बच्चों का जायज़ा लें तो वो दूसरे बच्चों, दूसरे जो उनके घर के अफराद हैं उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे होते। वो समझते हैं कि बस मैं ही जो चाह रहा हूँ मुझे वो मिल जाए। इन देयर ओन वर्ड्स, उनकी अपनी दुनिया में इगोइस्टिक हाउएवर द एडल्ट्स इन देयर लाइव्स स्टिल हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन देम। उसके बावजूद कि वो अपनी आप में अहमियत खुद को ही सिर्फ देते हैं, फिर भी उनके इर्द गिर्द जो बड़े हैं वो उनके उनके बच्चों के किरदार पर, बच्चों के सोशल किरदार पर बहुत असर अंदाज होते हैं। बिगनिंग टू शो देयर इंडिपेंडेंस एंड कैपेबिलिटीज, दिखाना शुरू कर देते हैं वो अपनी सलाहियतों को और अपनी आज़ादी को। वो चाहते हैं कि वो सोशली जिनकी जो भी उनकी मूवमेंट है, चाहे वो घर की हद तक है या जो फ्रेंड्स की हद तक है, नेबरहुड तक है, उसको उसके अंदर वो आज़ादी चाहते हैं। एट दिस स्टेज दे आर आल्सो ईगर टू मीट एंड प्ले विद न्यू किड्स। इस उम्र में जब वो 3 से 4 साल 5 साल के होते हैं तो वो नए बच्चों के साथ खेलने का शौक रखते हैं, बट मे नॉट नो हाउ टू अप्रोच देम ड्यू टू शाइनेस और फियर ऑफ रिजेक्शन। अंदर से वो चाह रहे होते हैं कि वो नए बच्चों के साथ मिलें, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे जिनकी सोशल डेवलपमेंट बेहतर नहीं हुई होती है तो वो शाइनेस का शिकार होते हैं और वो फियर ऑफ रिजेक्शन का शिकार होते हैं कि शायद ये बच्चा मेरे साथ खेले या ना खेले। तो इस फियर के तहत वो नए बच्चों के साथ पहल नहीं करते हैं खेलने में। सम ऑफ द प्री स्कूलर्स प्रेफर टू प्ले ऑन देयर ओन। बहुत सारे प्री स्कूलर जो एज के बच्चे हैं वो इसीलिए अकेले खेलना पसंद करते हैं, या फिर पेरेंट्स एंड टीचर भी खेलना पसंद करते हैं। पेरेंट्स एंड टीचर्स नीड टू इनकरेज देम टू मेक एन एफर्ट टू प्ले इन अ ग्रुप विद अदर किड्स ऑफ देयर एज। तो उस वक्त पर पेरेंट्स का ये किरदार है और फिर प्री स्कूल इरा में टीचर्स का ये किरदार है कि वो बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी करवाएं दूसरे बच्चों के साथ, ताकि जो उनके हम उम्र हों, ताकि वो एक दूसरे से सोशल स्किल्स को सीखें और उनकी सोशल डेवलपमेंट हो। इसी तरह पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो उनको टाइम दें कि वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल सकें, चाहे वो हमसायों के आपके बच्चे हैं या फिर आपके रिश्तेदारों के बच्चे हैं। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री स्कूलर कैन बी समराइज एज, हम छोटे बच्चों की जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको इस तरह से समराइज कर सकते हैं। बिकमिंग मोर सोशल, वो मजीद सोशल होते चले जाते हैं। मूविंग फ्रॉम पैरलर प्लेस टू एसोसिएटिव प्लेस डज
ज्वाइंट एक्टिविटीज, वो अकेले खेलने के साथ साथ अब ग्रुप एक्टिविटी में ग्रुप के साथ बच्चों के दूसरे बच्चों के साथ खेलने में अपनी जो है वो करते हैं, ज्वाइंट एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। हेल्पफुल मेनली बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट इन मैचिंग वर्ड्स टू एक्शंस, वो कोशिश करते हैं कि अब उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि किस तरह से आप उनको इस तरह की एक्टिविटी करवा सकते हैं कि आप एक छोटे प्री स्कूलर बच्चों की बात हो रही है तो उनको आप बोर्ड पर कुछ तस्वीर मुख्तलिफ सोशल एक्टिविटीज़ की दिखा दें, जिस तरह से कोई 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 गेम प्ले कर रहे हैं बच्चे, या फिर एक पार्टी में बैठे हैं कुछ लोग या स्टूडेंट उनकी एज के बच्चे, और या फिर वो किसी पार्क में जाके घूम फिर रहे हैं। तो इस सारे के साथ अगर आप वर्ड्स लिख दें कि ये एक्टिविटी हो रही है, और वो कॉलम मैचिंग के थ्रू आप उनको एक्टिविटीज़ को एसोसिएट करवा सकते हैं। हेल्पफुल, अच्छा, बिगनिंग्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ उनकी आज़ादी का आगाज़ होता है सोशल स्किल्स को शो कराने के हवाले से, परफॉर्म करने के हवाले से। बाय फोर ग्रोइंग सेंसेस ऑफ इनिशिएटिव एंड सेल्फ रियलाइज, अपने आप को वो अब सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आते हैं कि हम असल में क्या हैं, क्योंकि जब वो दूसरे बच्चों से मिलते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि इस बच्चे के अंदर ये सलाहियत है और मेरे अंदर ये सलाहियत है। वो थोड़ा थोड़ा जो अपना अपनी एज के लिहाज से उस फर्क को और उस रियलाइजेशन को फील करने लग जाते हैं। बिकमिंग अवेयर ऑफ बेसिक जेंडर आइडेंटिटी, तब उन्हें अंदाज़ा होता है कि हाँ हम लड़के हैं, हम ये कर सकते हैं, ये लड़कियां हैं, ये इस तरह से प्ले करेंगी, हम लड़के हैं, हमारी ये गेम्स हैं, लड़कियों की ये गेम्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको वो उनकी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसके अंदर शो होंगी। इमेजिनेटरी प्ले मेट्स नॉट अनकॉमन्स, यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो तखयलाती गेम्स हैं वो नहीं हो सकती, उनके अंदर नहीं पाई जाती कि उनको अगर आप इस उम्र में रोल प्ले दे दें कि आप एक डॉक्टर बन के यहाँ पर एक पेशेंट का इलाज करके दिखाओ, तो वो अभी प्री स्कूल एज में नहीं कर सकते। फैक्टर अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट एट प्री स्कूल लेवल तक जो चीज़ें इफेक्ट करती हैं सोशल डेवलपमेंट को, रिसर्च फाइंड्स इंडिकेट द फॉलोइंग फैक्टर्स विच इफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट एट प्री स्कूल लेवल। एक तो पीयर रिलेशनशिप है कि साथ वाले जो बच्चे हैं उसके हम उम्र, दोस्त, फेलोज, फ्रेंड्स, और उनके उनके जो सोशल बिहेवियर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं बच्चों को। आप देखें कि कोई बच्चा बहुत अच्छे, ये प्री स्कूलर एज के बच्चों की बात हो रही है, कोई बच्चा अगर बहुत अच्छा बिहेव करता है तो वो बच्चा दूसरा बच्चा उसकी कंपनी में उस तरह की आदतें सीख लेता है, सोशल जो स्किल्स हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा बदतमीज़ है, कोई बात बात पर गालियाँ निकालता है या बात बात पर डांटता है साथी बच्चों को, तो जो एक नॉर्मल बच्चा है वो भी उससे वो इम्प्रेस होकर उसकी जो फैक्टर इफेक्ट करेगा उसको, उसका जो पीयर रिलेशनशिप है वो सोशल बिहेवियर्स की बात हो रही है तो बच्चे एक दूसरे से अडॉप्ट करते हैं। ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर्स पीयर्स बिगिन टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चिल्ड्रंस सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल्सो। प्रो सोशल बिहेवियर, प्रो सोशल बिहेवियर आर वॉलेंटरली एक्शंस टूवर्ड्स अदर सच एज केयरिंग, शेयरिंग, कंफर्टिंग एंड कॉपरेशन। अब आप देखें कि जब बच्चे इस प्री स्कूल एज लेवल में होते हैं तो तब वो उनके इर्द गिर्द जो बिहेवियर शो किए जाते हैं केयरिंग के हवाले से, शेयरिंग के हवाले से, या दूसरों को आसानी देने के हवाले से कि चले मैं आपके लिए दरवाज़ा खोल देती हूँ और चले आए मैं आपको ये बैग उठा के पहुँचा देती हूँ वहाँ तक, और या फिर ये कि इसी तरह की जो सोशल बिहेवियर्स हैं उनका उनकी उनके सामने मज़ाहरा बच्चों के सामने उनको उनको उनकी इस डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। तीसरा फैक्टर है प्ले। मोस्ट ऑफ द प्री स्कूलर इंटरेक्शन विद पीयर्स अकर्स ड्यूरिंग प्ले। जब भी उनका इंटरेक्शन ज़्यादा अपने हम उम्र बच्चों के साथ होता है तो वो खेलने के दौरान होता है। प्ले इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट एक्सरसाइज देयर लिंग्विस्टिक, कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर जनरल पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट।
तो प्ले एक ऐसा, यानी गेम्स और खेलें एक ऐसा ऐसा इवेंट हैं, ऐसा मौका है जहाँ पर बच्चों की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, और हम कह सकते हैं कि जनरली उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है वहाँ पर, लेकिन बिलखसूस लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज की, बोलचाल की जो स्किल्स हैं, और कॉग्निटिव यानी उनकी जो समझ बूझ और सीखने की जो स्किल है वो भी इम्प्रूव होती है, एंड सोशल स्किल आल्सो। एक्टिविटीज़ टू डेवलप सोशल स्किल्स अमंग प्री स्कूलर्स, यहाँ पर हम प्री स्कूलर्स के जो सोशल स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ का जिक्र करेंगे। देयर आर मैनी प्री स्कूलर सोशलाइजेशन एक्टिविटीज़ दैट टीचर्स कैन यूज़ इन देयर क्लास रूम दैट डिवेल्प एंड प्रमोट फ्रेंडशिप इन फ्रंट यंग चिल्ड्रंस, लाइक गेम्स, नेम सॉन्ग्स, फ्री कन्वर्सेशंस, गेम्स बाय स्पीच पाथ्स, लिसनिंग एक्टिविटीज, ब्लॉक्स बाय हैंड्स ऑन एज वी ग्रो, मेक पॉप्सिकल पपेट्स एंड प्रैक्टिस। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये गेम्स हैं जो जिक्र किया गया है, जिनका नेम सॉन्ग, यानी आप किसी भी बच्चे का सॉन्ग इस तरह, ये बच्चों के जैसे सॉन्ग है हैप्पी बर्थडे फलां, और उसका नेम लेकर अगर वो बच्चे एक दूसरे के साथ इस तरह के सॉन्ग्स और या छोटी पोइम्स पढ़ेंगे, तो उसमें वो उनकी ना सिर्फ सोशल डेवलपमेंट होगी बल्कि उनकी लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी होगी। यहाँ पर फ्री कन्वर्सेशनल गेम्स बाय स्पीच पाथ्स पर दी हुई जो बच्चों की बोलचाल के हवाले से कन्वर्सेशनल यानी डायलॉग, आप जैसे एक्सचेंज ऑफ डायलॉग्स है दो बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ आपके सामने एक तस्वीर में देखें, ये कुछ भालू या पपेट्स दिखाए गए जिनके ऊपर उनके फीलिंग्स भी लिखी हुई हैं, इमोशंस भी लिखे हुए हैं, तो इन इमोशंस और फीलिंग्स को बच्चों के साथ आप डिस्क्राइब करवा सकते हैं, उनसे उनका रोल प्ले करवा सकते हैं। देखें ये भालू एंग्री दिखा रहा है मूड, तो आप बना के दिखाएं किस तरह से भला एंग्री, जब आपको गुस्सा आता है आप किस तरह का मुंह बनाते हैं। बच्चे ज़रूर, ये जो 4-5 साल के बच्चे हैं वो इस तरह की एक्टिविटी पर बड़ी खुशी से हिस्सा लेते हैं। लिसनिंग एक्टिविटीज़, इसमें आप बच्चों को मुख्तलिफ आवाज़ें सुनवा सकते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज सुनवा सकते हैं, मुख्तलिफ पोइम्स सुनवा सकते हैं। ब्लॉक्स बाय हैंड्स ऑन एज वी ग्रो, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको आप हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, यानी आप उनको कोई पेपर दे सकते हैं जिससे वो शेप्स कटिंग करें, या फिर उनको आप कोई ड्राइंग दे सकते हैं इस तरह की कि आप ये बच्चे आप ये छोटी जो है ये पेंसिल और कागज़ पकड़े और ये सामने जो आपके चेयर रखी है इसकी शक्ल बना के देखें, और तो वो जिस तरह से भी ड्रॉ करेंगे उनकी उनकी जो लाइन एंड लेंथ है पेंसिल को होल्ड करना और फिर उस चीज़ को लेकर लाइन को कहाँ से शुरू करना है कहाँ एंड करना है, ये चीज़ें थोड़ी डेवलप होंगी उसके। इसको हम कह सकते हैं कि ये साइको मोटर स्किल्स भी हैं साथ साथ जो इम्प्रूव होंगी। इन इम्प्रूवमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं इस पर रिलेटेड मैंने एक वीडियो सीरीज़ बनाई है लर्निंग कॉर्नर्स के हवाले से, वो टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है कि वो वहाँ पर देखें, बताई गई हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, मैंने सब्जेक्ट वाइज वो वीडियोस बनाई हैं कि आर्ट कॉर्नर है, साइंस कॉर्नर है, मैथ कॉर्नर है, तो आप किस तरह से मुख्तलिफ जो स्किल्स हैं बच्चों की लर्निंग स्किल्स हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जब आप ग्रुप में ये एक्टिविटीज़ वहाँ पर भी करवाएंगे या जहाँ पर भी करवाएंगे तो वो सोशल डेवलपमेंट साथ साथ उनकी होगी और सोशल स्किल्स इम्प्रूव होंगी। टूल्स फॉर प्रमोटिंग सोशल लर्निंग, नर्चरिंग सोशल एनवायरनमेंट, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टेप्स, जब आप बच्चों को सोशल एनवायरनमेंट में बिठाएंगे, उनको वहाँ पर एक्टिविटीज़ करवाएंगे, तो वो एक टूल है सोशल जो है लर्निंग को प्रमोट करने का। तो ऐसे माहौल में जब आप उनको साथ साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे कि जो बच्चों के दरमियान छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं उस दौरान, क्योंकि वो ग्रुप में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो 2 से 3 लोग हैं, हर बच्चे की अपनी आइडेंटिटी है, हर बच्चा खुद को ज़्यादा अहम समझ रहा होता है, तो उस वक्त जो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट हैं उन पर टीचर की नज़र होनी चाहिए। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स एट किंडरगार्टन, अर्ली प्राइमरी, 5 एंड 6 ईयर ओल्ड, यहाँ पर अब हम 5 से 6, अभी मैंने पीछे आपको पिछली स्लाइड पर बताया था जो एक्टिव जो सारी डेवलपमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो 3 से
5 साल तक के बच्चों की थी, और अब यहाँ से 5 से 6 साल तक के बच्चों की अर्ली प्राइमरी स्टेज की बात हो रही है. दिस इंक्लूड्स वेरी सोशल विजिट फ्रेंड्स ऑन वंस ओन. यहाँ पर बच्चे ज़्यादा सोशल होते जाते हैं, वेरी सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, प्रिजिस्ट लॉन्गर एट टास्क. जो भी काम उनको एक्टिविटी करवाई जाती है उस पर ज़्यादा देर फोकस कर पाते हैं. कैन प्लान एंड कैरी आउट एक्टिविटीज़ एंड रिटर्न टू प्रोजेक्ट नेक्स्ट डे. वो अपनी एक्टिविटीज़ जो आप उनको करवा रहे हैं कोई प्रोजेक्ट की सूरत में, उसमें वो कैरी ऑन करना सीखते हैं और अगले दिन भी उस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना सीखते हैं. कि उनकी सोशल इतनी डेवलपमेंट हो चुकी होती है कि उन्हें पता होता है कि जो काम हमने कल छोड़ा था वो हमने आज फिर से स्टार्ट करना है. प्ले विद टू और थ्री फ्रेंड्स ऑफन जस्ट अ शॉर्ट टाइम ओनली एंड देन स्विच प्ले ग्रुप. वो 2 से 3 फ्रेंड्स के साथ खेलते रहते हैं और फिर जल्द ही अपने जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है या जिनके साथ वो खेल रहे थे बस उस पर स्विच भी कर लेते हैं, दूसरे लोगों को, दूसरे बच्चों को ज्वाइन कर लेते हैं. बिगनिंग टू कन्फर्म इट्स इज वेरी हेल्पफुल. स्टार्ट करवाना बच्चों को जो है इस तरह की एक्टिविटीज वो बहुत हेल्पफुल है. बाय 6 बिकमिंग वेरी असर्टिव ऑफन ऑफन बॉसी डोमेनिंग अ सिचुएशन डोमिनेटिंग अ सिचुएशन एंड रेडी विद एडवाइस. यहाँ पर कुछ बच्चों में जो लीडरशिप की ज़्यादा कैपेबिलिटी रखते हैं वो अपना बिहेवियर जो है एज अ लीडर शो कराना 6 साल की उम्र के बाद शुरू कर देते हैं. कि देखो मैं आपको कोई एक बच्चा ज़रूर ग्रुप अगर ग्रुप एक्टिविटी हो रही होती है तो वो लीड ले लेता है कि अच्छा देखो जैसे मैं कहूँगा ना वैसे आपने करना है. तो इस तरह की जो सलाहियतें हैं सोशल वो उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं. नीड्स टू बी फर्स्ट हैज डिफिकल्टी लूजिंग पॉजिटिव एंड बूस्टफुल क्रेव्स अफेक्शन ऑफन हैज अ लव हेट रिलेशनशिप विद पेरेंट्स जेंडर रोल्स बिकमिंग मोर रिफाइंड. यहाँ पर फिर से वो अपनी जो जेंडर है उसके रोल के बारे में मजीद रिफाइन हो जाते हैं. हैज टेंडेंसी टू जेंडर टाइप बिकम क्लॉथ कॉन्शियस. यहाँ पर वो 6 साल की उम्र तक वो अपने ड्रेसेस की चॉइस करने के लिए सोशली डिवेलप हो चुके होते हैं. एक्टिविटीज टू प्रमोट सोशल डिवेलपमेंट एट किंडरगार्टन साथ में अर्ली प्राइमरी जो स्टेज है यानी वही बात हो रही है 3 से 6 साल तक की जो बच्चे हैं उनके लिए. यहाँ पर आप सोशल जो डेवलपमेंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर की जा रही हैं. यहाँ पर वो देख रहे हैं आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं पेपर प्लेट इमोशंस मास्क. ये मास्क टीचर तैयार कर सकती है और इस या कर सकता है और उनको बच्चे के फेस पर आप प्लास्टिक बैंड के साथ रबर बैंड के साथ जो है वो उसके फेस पर लगाकर फिर दूसरे बच्चों से आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये बच्चा क्या मूड शो कर रहा है. इस तरह इमोजी जो है वो बड़े आजकल हेल्पफुल हैं कि बच्चों को ऑलरेडी अभी मोबाइल के इस्तेमाल करने के दौरान और ख़ासतौर पर व्हाट्सएप पर डाली गई इमोजीज़ की वजह से बहुत आसानी है. उनको ये वाले फीलिंग्स के बारे में पहचान है उन्हें बहुत के कौन सा इमोजी सेंड करना है. अब इवन 6 साल के बच्चों को 5 साल के बच्चों को सोशल प्ले द नेम गेम इमोजी फीलिंग फेसेस फीलिंग्स रिकग्नाइजेशन. ये बात मैं कर चुकी हूँ आपसे कि आप जैसे पेपर प्लेट के हवाले से पेपर प्लेट इमोशंस मास्क फीलिंग एक्टिविटीज एंड फन आइडियाज फॉर किड्स फीलिंग आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटीज. यानी आप एक बच्चे को कहें कि जैसे आप हम सीक्रेट गेम के तौर पर होता है सीक्रेट वर्ड के टाइप की गेम कि आप एक बच्चे को चेयर पर बैठाएं और उसे कान में बताएं कि आपने गुस्से के इमोशंस का इजहार करना है और वो सारी क्लास के सामने या एक ग्रुप के सामने अपने इमोशन फेस पर लाए और दूसरे बच्चे गेस करें कि ये किस फीलिंग का मुजाहरा कर रहा है इस वक्त उनका जो सामने चेयर पर बैठा हुआ बच्चा. सोशल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स एट लेट किंडरगार्टन प्राइमरी लेवल 7 to 8 year old लर्नर्स एट लेट किंडरगार्टन प्राइमरी लेवल पोजेस द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स बिगनिंग्स टू रेफर ओन जेंडर हैज लेस बॉय गर्ल इंटरेक्शन. यहाँ पर वो अपने अपने जेंडर में इंटरेक्शन ज़्यादा करते हैं. पेयर ग्रुप्स बिगन टू फॉर्म सिक्योरिटी इन जेंडर आइडेंटिफिकेशन सेल्फ एब्जॉर्ब
absorption begins to play and work independently can be argumentative. Seven still not a good loser and often a tattler. By eight play games better and intend to winning. आठवें साल की उम्र तक आते आते बच्चे जो हैं वो ना सिर्फ गेम्स खेलते हैं बल्कि वो विनर और लूज़र होने पर उनके जो सोशल बिहेवियर्स हैं उनको मॉडिफाई किया जाता है, उनको सिखाया जाता है उस वक्त के किस तरह की उन्होंने सोशली बिहेव करना है. कॉन्शियसनेस कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूटीन चॉर्स. किस तरह से वो अपने रूटीन के मामलात में किस तरह से वो कॉन्शियस होते हैं कि उनकी जिम्मेदारियां वो किस तरह से लें. लेस सेल्फिश, इस उम्र में बच्चे कम सेल्फिश होते हैं मोस्टली. एबल टू शेयर, कुछ चीज़ों को शेयर करने के काबिल होते हैं. वांट्स टू प्लीज, खुश होना भी चाहते हैं और खुश करना भी चाहते हैं अपने जो उनके फेवरेट पर्सनैलिटीज होती हैं उनके अराउंड. स्टिल इंजॉयज एंड एंगेज इन फैंटेसी प्लेज. अभी तक वो तखैलाती या इमेजिनेटरी जो गेम्स हैं जो प्लेज हैं उनको इंजॉय करते हैं उन गेम्स को. एक्टिविटी प्राइमरी लेवल टू डेवलप सोशल स्किल्स. यहाँ पर अब प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात हो रही है कि उनके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं. आस्किंग क्वेश्चंस, उनसे आप सवालात करें. शेयरिंग करने से. रोलिंग बॉल बैक एंड फोर्थ. हैंडिंग टॉयज टू ईच अदर, एक दूसरे को खिलौने पकड़ाने से. ये आप ऊपर की जो पिक्चर है उसमें देख रहे हैं कि ये एक सर्कल में बच्चे खड़े हैं और मुख्तलिफ सोशल एक्टिविटीज़ उनको करवाई जा रही हैं. टीमिंग अप टू सॉर्ट एनिमल्स. मैचिंग स्पीशीज विद देयर राइट हैबिटेट्स और स्टोरी बेस्ड डिस्कशंस अबाउट इमोशंस. ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्राइमरी लेवल पर बच्चों को सोशल स्किल्स को डिवेलप करती हैं. सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स एट एलिमेंट्री लेवल. ये हमारा लास्ट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स है जो आपके इस यूनिट में या इससे पिछले यूनिट्स में डिस्कस किया जाता है. एट दिस लेवल स्टूडेंट्स में एग्जिबिट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. बच्चे इस तरह की खसूसियात का मुजाहरा करते हैं. द एलिमेंट्री चिल्ड्रन वॉन्ट टू एक्सपेंड सोशल रिलेशनशिप बियॉन्ड द होम एनवायरमेंट. इस उम्र में जब वो बच्चे आठवीं क्लास तक यानी आप 12-13 साल तक की एज का जो लाइफ स्पैन है उनका, उस वक्त बच्चे अपने माहौल से हटकर सोशल रिलेशनशिप अपने घर से हटकर बनाना चाहते हैं. पीयर्स बिकम एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू एलिमेंट्री एज्ड चिल्ड्रन. दे आर कंसिस्टेंटली बिल्डिंग रिलेशनशिप. यहाँ बच्चों का जो पेरेंट्स का किरदार है, पीयर्स का जो किरदार है सॉरी साथियों का, वो बहुत अहम हो जाता है सोशल रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए. दे नेचुरली फॉर्म ग्रुप्स. दे वॉन्ट टू बी विद देयर फ्रेंड्स. देयर कंसिस्टेंट टॉकिंग इज रियली एविडेंस ऑफ हिज दिस फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप. आप देखते हैं जब बच्चे 6th-7th क्लास में होते हैं या 8th क्लास तक, तो वो उनका फ्रेंड्स का एक ग्रुप होता है क्लास के अंदर, 2-4 लोगों का जो इकट्ठे बैठना पसंद करते हैं, जो बातचीत एक साथ ज़्यादा करना पसंद करते हैं और वो बहुत कम दूसरे ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं. ज़्यादातर वो अपने सर्कल सोशल जो छोटा सर्कल उन्होंने क्लास के अंदर बनाया उसमें लिमिटेड हो जाते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं इस बात को. दीज चिल्ड्रन वॉन्ट टू बी लाइक देयर फ्रेंड्स एंड टू बी एक्सेप्ट बाय द ग्रुप इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. There is a corporate joint focus as opposed to a competitive one. This too is sight that children are learning to build community. Elementary children are looking for people to admire. They may be inspired by older children, a family member or their teacher. इस उम्र में बच्चे बहुत यानी इंस्पायर होते हैं अपने से बड़ी क्लास के बच्चों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या फिर अपने टीचर्स से. सोशल स्किल्स एट एलिमेंट्री लेवल, जो आप उनको एक्टिविटीज जो सोशल स्किल्स उनमें पाई जाती हैं इस दौरान वो कौन कौन सी होती हैं. एक्टिव लिसनिंग, वो बात को तवज्जो से सुनना जो है वो सुनने के काबिल हो जाते हैं. द ब्लाइंड फोल्डेड वॉक, उनको आप
इस तरह की एक्टिविटी करवाएं कि आप उनके जैसे आंखों पे पट्टी बांध के बच्चों को एक गेम्स करवाई जाती हैं कि चलें अब आप एक दूसरे को ढूंढें, टच करके देखें, जिसने जिसको टच कर लिया वो आउट हो जाएगा। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो सोशल स्किल्स हैं, वो उनको उनके ऊपर उनका कंट्रोल होता है एलिमेंट्री लेवल पर। इस तरह की गेम्स आप करवा सकते हैं, सिर्फ छोटे लेवल पर नहीं करवाई जा सकते। इम्प्रोविजनल स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग जो है उसको बहुत ज़्यादा वो इस वक्त इस एज में एलिमेंट्री लेवल पे बहुत पसंद करते हैं, और उस स्टोरी टेलिंग में उनकी सोशल स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। स्टोरी टेलिंग के हवाले से भी मैंने एक वीडियो सीरीज़ बनाई हुई है जो आपको इस एक्टिविटीज़ के हवाले से बहुत हेल्पफुल रहेगी, एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करने के हवाले से। मैचिंग गेम्स, फेस इट, रीडिंग फेसेस, इंटरप्रेटिंग इमोशंस, यहाँ पर बच्चे वो करने के काबिल हो जाते हैं कि दूसरे उनके जो साथ वाले लोग हैं वो खुश हैं या खुश होंगे, या ये सुन के वो बड़ा उदास होगा, ये सुन के वो बड़ा खुश होगा। इस तरह की जो सोशल स्किल है बच्चों के अंदर डेवलप हो जाती है। हैव अ स्टेरिंग कॉन्टेस्ट, बुक्स अबाउट ईडियम्स, ये सारी सोशल स्किल्स इनके अंदर डेवलप हो जाती हैं। तो ये था आज का लेक्चर, होपफुली यू विल लाइक इट। एंड अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।